नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हमने लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन की बात करी है। इसमें हम अपने शोल्डर से लेके और अपने कमर तक की किसी भी प्रकार का जो दर्द है वो किस तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। आज मैं आपसे बात करूँगा स्लिप डिस्क या फिर साइटिका का जो दर्द होता है इसके बारे में। ये दर्द हमारे कहाँ से ओरिजिनेट करता है, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं या किस तरीके से हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आएगा और आप अपने साइटिका या स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें स्लिप डिस्क क्या होता है। तो स्लिप डिस्क का जो दर्द है वो हमारे लोअर बैक से, जो कि हमारी साइटिका वर्टिब्रे हैं, हमारे बैकबोन के जो लास्ट, हमारे जो पहले पांच के जो वर्टिब्रेज हैं उसमें से जो L4 या L5 और L5 और S1 जो वर्टिब्रेज हैं, इन यहाँ से हमारे स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम्स है वो ओरिजिनेट होती है, वो शुरू होती है। और हमारी जो साइटिका नर्व्स जो हमारे पैरों में नीचे तक पूरे दोनों तरफ से जाते हैं, वो नर्व्स धीरे धीरे हमारे दर्द करते हैं। और ये दर्द ऐसा एक इलेक्ट्रिफाइंग दर्द होता है जिससे कि हमें उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है। तो इस दर्द में सबसे पहले तो आप आगे झुकने वाला कोई भी काम ना करें, किसी भी प्रकार से आप आगे की ओर ना झुकें, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप लेटते भी हैं तो आप उल्टा लेटें, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पेट के सहारे उल्टा लेटें और अपने पीठ को जितना आराम दे सकते हैं उतना आराम दें। बताते हैं आपको कि कौन से आसन और कैसा हमारे लेटने का और बैठने का तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा आप अपने साइटिका या स्लिप डिस्क का जो पेन है इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो जब भी आपको साइटिका या स्लिप डिस्क का दर्द हो तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप उल्टा लेटें और इसमें आप पूरे तरीके से अपनी पीठ को महसूस करें। आपका जो भी अवेयरनेस है आप पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी पीठ और अपने पूरे कमर पर। हमेशा लेटने के लिए आप अपने हाथों को अपने तकिए की तरह आराम से इस तरीके से लेटें। अगर आपको इसमें भी आराम ना मिले तो जिस भी पैर में आपके दर्द है, सपोज़ अगर आपके राइट लेग में दर्द है तो आप अपने राइट लेग को थोड़ा ऊपर अपने चेस्ट के पास तक उठाकर और फिर आपका जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक रीजन है, उसको पूरा नीचे की ओर प्रेस करते हुए और इस प्रकार से लेट सकते हैं। इस प्रकार लेटने से हमारे साइटिका या स्लिप डिस्क के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद अगर जब आपको थोड़ा बहुत आराम मिल जाए उसके बाद आप मकर आसन, जो कि सिंपल आसन है, अपने हाथों को अपने चिन के पास लगा सकते हैं और फिर आराम से लेट सकते हैं। इसमें पूरा जोर हमारी कमर पे, पूरा प्रेशर हमारी कमर पे और खासकर हमारे लोअर बैक जो रीजन है यहाँ पे इसका पूरा असर आएगा। इसके बाद सबसे पहला जो आसन है वो हम कर सकते हैं भुजंगासन, लेकिन ये हम तब कर सकते हैं जब हमारा दर्द थोड़ा कंट्रोल में हो जाए। अगर हम अनकंफर्टेबल हैं या दर्द बहुत ज़्यादा है तो इस आसन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दर्द आपके काबू में है तब आप धीरे धीरे भुजंगासन की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास और कोशिश करें कि आप अपनी गर्दन को पहले ऊपर लाएं और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश करें एंड देन डाउन। हल्का हल्का अपने पैरों को साथ में रखना है और फिर आराम से रिलैक्स मोड में ऊपर की ओर उठेंगे और फिर नीचे। इसमें हम होल्ड नहीं करेंगे, किसी भी पोजीशन में होल्ड ना करें, धीरे धीरे ऊपर आए और फिर धीरे धीरे नीचे चले जाएं। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं इनहेल करते हुए ऊपर और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे और फिर आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स और पूरा आराम हमारे शरीर को, हमारे कमर को,
पूरा आराम देते हुए लेटे हैं। इसके बाद जो दूसरा आसन हम कर सकते हैं वो है शलभासन। तो शलभासन, अर्ध शलभासन से शुरू करेंगे। तो इसमें आप अपने पैर को सीधा उठाने की कोशिश करें ऊपर की ओर। इसमें हम अपने पैर को पूरा सीधा उठाएंगे ऊपर की ओर और आउटस्ट्रेच, हमारा पैर पीछे की तरफ पूरा खींचा हुआ, हमारा चिन सामने जमीन पे, थोड़ी देर ऐसे होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। सेम हम अपने दूसरे पैर के साथ में करेंगे, जैसे हम अपने पैर को पूरा आउटस्ट्रेच पीछे की ओर पूरा खींचा हुआ सीधा उठाने की कोशिश करेंगे एंड देन रिलैक्स। शलभासन, पूर्ण शलभासन, जिसमें हम दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे एंड देन रिलैक्स। वापस हम मकर आसन में, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे और बिल्कुल आराम से अपनी बॉडी को फ्री छोड़ के सिर्फ अपनी कमर पे ध्यान। तो ये जो कुछ आसन थे इसको हम स्लिप डिस्क या हमारे साइटिका पेन के दौरान हम इसको अभ्यास कर सकते हैं। बहुत जोर देने की ज़रूरत नहीं है, अपने बॉडी पे बहुत प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ अपने लोअर बैक की, लोअर स्पाइनल कॉलम है उसको हमें सीधा रखना है और उसमें धीरे धीरे करके हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं, जब हम ये योगासन करते हैं तो उसमें जान आती है, उसमें स्ट्रेंथ, उसको मजबूती मिलती है और धीरे धीरे हमारा दर्द जाने लगता है। ये बहुत ही तकलीफदायक दर्द है साइटिका का या स्लिप डिस्क का और इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने तक ये सब प्रैक्टिस करनी है। 6 महीने तक आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है किसी भी तरीके से और जितना हो सके उतना कंप्लीट रेस्ट ऑन अ हार्ड बेड, एक सख्त सतह पे आपको लेटना है, आपको उल्टा लेटना है, अपनी पीठ को ऊपर करके पेट को नीचे की ओर और जितना आराम आप अपने शरीर को दे सकते हैं उतना आराम हमें चाहिए। इसके साथ आपका जो खाना पीना है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको भी थोड़ा चेंज करना होगा। अगर हम जितना अपने आप को हल्का रखेंगे, जितना हम हल्का खाना खा सकते हैं, हमारा पेट का जो पाचन तंत्र है उतना अच्छा रहेगा, हमारे अंदर कोई गैस या और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका जो साइटिका या स्लिप डिस्क का दर्द है वो धीरे धीरे आपसे दूर चला जाएगा और आप फिर से एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके किसी संगी साथी या आस पड़ोस में किसी को भी साइटिका का दर्द या स्लिप डिस्क का दर्द हो तो आप उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।